राहुल गांधी के बाद मुंबई के मंच से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी चुनाव में जीत की हुंकार भरी, मोदी पर हमला किया और कहा कि संविधान बचाने के लिए बीजेपी सरकार को हराना जरूरी है। मोदी जी की गारंटी सिर्फ चंद अमीर लोगों के लिए है, जो अमीर रोज अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी गरीबी रहती हुए हम उधर ध्यान नहीं दे रहे। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप जल्दी नहीं मिल रहा है, इधर किसका भी ध्यान नहीं है। और मोदी जी हमेशा यही कहते हैं, ये मोदी की गारंटी। अरे भाई, तुम्हारी पार्टी की गारंटी तो कम से कम बोलो। मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, ये क्या है? मोदी एक व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति को इतना अहंकार आया है कि हर चीज को ये मोदी गारंटी। और वो ये भी समझते हैं मोदी जी कि देश को आजादी मिली है वो 2014 में ही मिली है, इससे पहले आजादी नहीं आई, 1947 में आजादी नहीं आई। उनका कहना है कि आजादी मिली ये 2014 में ही मिली। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बार बार चंद लोग के कहते हैं कि भाई हमको 400 दो। इस बार हमारे पास कर्नाटक का एक एमपी, उसने कहा कि हमको 2/3 मेजोरिटी होना। क्यों होना भाई? इसीलिए होना, देश के संविधान को बदलना है। मैंने कहा अपने प्रेस नोट में, यह कहा कि 2/3 मेजोरिटी देश के संविधान को बदलने के लिए होना, देश को अच्छा करने के लिए, देश को एकता, देश में एकता रखने के लिए नहीं, गरीबों को अमीर बनाने के लिए नहीं, भूखे पेट वालों को खाना देने के लिए नहीं, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसको खत्म करने के लिए। शिवाजी पार्क की रैली में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। उद्धव ने अपने भाषण में मोदी के 400 पार के नारे पर सवाल उठाया और कहा कि इंडिया गठबंधन की ताकत उन्हें चुनाव में हराएगी। हीच ती मुंबई आहे ज्या मुंबईतून महात्मा गांधीजींनी 42 साली इंग्रजांना चले जाओ सांगितलं होतं। खरं पाहिलं तर हा एक फुगा आहे, भाजपा एक फुगा आहे। आणि मला वाईट एका गोष्टीचं वाटतं की या फुग्यामध्ये हवा भरण्याचं काम आम्हीच केलं होतं। त्यांना विचारलं, ते म्हणतात 400 पार, काय फर्निचरचं दुकान आहे? काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत ही परिस्थिती सगळी सारखीच आहे। ज्या वेळेला मला आठवतंय की आपण पहिल्या प्रथम ही इंडिया आघाडीची बैठक घेतली, तेव्हा मोदीजींनी सांगितलं होतं ही विरोधी पक्षांची बैठक आहे। आम्ही विरोधी आहोत, जरूर आहोत, पण आम्ही विरोधी आहोत ते हुकुमशहाच्या विरुद्ध आहोत, आम्ही हुकुमशाहीच्या विरुद्ध आहोत। राहुल का साथ देने के लिए पटना से उनके चुनावी साथी तेजस्वी यादव भी मुंबई पहुंचे। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाले नारे पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या वो चाचा नीतीश की गारंटी लेने को तैयार है। आज एक तरफ जहां नफरत फैलाया जा रहा है, जहां टकरार की बात की जा रही है, जहां प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जहां देश के संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, अस्थाई सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, लोकतंत्र में मतदान जो आप लोगों ने किया वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है ईडी सीबीआई के जरिए, डरा करके तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है, जहां सच नहीं केवल झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, संविधान लोकतंत्र पे खतरा है, वहां आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी लोगों को जोड़ने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, अमन चैन भाईचारा
कायम करने के लिए, नफरत को हराने के लिए इन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा किया है, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद इनको देना चाहते हैं। कोई मोदी जी को हराने के लिए नहीं, उस सोच को हराने के लिए जो देश को बांटना चाहती है, उसके लिए हम लोग एक हुए हैं। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत मोदी जी से, अमित शाह जी से नहीं है। हम लोग तो हमेशा से उन विचारधारा के लोगों से लड़ाई लड़ने का काम किए हैं जिन्होंने हमेशा से, जिनका आजादी में कोई योगदान ना रहा हो, जो तिरंगा ना फहराए हो अपने दफ्तर पे, और आज कहते हैं वो देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। अरे मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, आज गरीबी है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। मुंबई के शिवाजी पार्क पे शरद पवार ने भी अपना सियासी पावर दिखाया। सुनिए शरद पवार ने क्या कहा। हम लोगों ने देखा कि आज जिन लोगों के हाथ से देश की हुकूमत है, उन्होंने कई एश्योरेंसेस देशवासी को दिए थे, किसानों को दिए थे, मजदूरों को दिए थे, बेरोजगार नौजवानों को दिए थे, महिलाओं को दिए थे, दलितों को दिए थे, आदिवासियों को दिए थे। और हम देखते हैं कि इसमें जो कुछ कमी चीज थी, इसमें कुछ भी उन लोगों ने हमने नहीं किया। और इसके जो लोग वायदा करते हैं और पूरा करते नहीं, उनको दूर करने के लिए हम लोगों को मिलकर कदम उठाना होगा, और ये मौका हम लोगों को अगले महीने में मिलेगा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने संविधान को ही खतरे में बता दिया। ये 400 पार क्यों करना चाहते हैं? आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, आपके हाथ में से आपका वोट छीनना चाहते हैं, ताकि जिस वक्त आप लोग जाग जाओ, आप इनको बाहर करना चाहो, आपके वोट में वो ताकत नहीं रहेगी। हम ऐसे हो जाएंगे जैसे चीन में वो किसी को भी वोट डालते हैं, चुना एक आदमी जाता है, एक जमात चुनी जाती है, जैसे प्यूटन रशिया में चुना जाता है। मोदी जी इस मुल्क को ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि आपके वोट को, अगर आपने इस इलेक्शन में सोच समझ के वोट नहीं डाला, तो आपके वोट की कोई ताकत नहीं रही। मैं जम्मू कश्मीर से आती हूँ, वहाँ संविधान खत्म है। चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, आप आते हैं टूरिस्ट बन के, देखते हैं सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। आप ले चले जाइए, वहाँ हजारों के लोग सड़कों पे मिलेंगे, मगर कश्मीर में कोई सड़क पे नहीं आता है, अगर आता है उसको जेल में डालते हैं। खुदा के लिए, जो हाल हमारा है वो हाल आपका भी हो जाएगा अगर आप इस इलेक्शन में सोच समझ के वोट नहीं डालेंगे, संविधान को बचाने के लिए वोट नहीं डालेंगे, इंडिया अलायंस को सामने लाने के लिए वोट नहीं डालेंगे। राहुल जी की कुर्बानियां, इनके खानदान की, इनकी फैमिली की कुर्बानियां, अगर आप उनको बचाने के लिए वोट नहीं डालेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला भी शिवाजी पार्क की रैली में शामिल हुए। फारूक अब्दुल्ला ने भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उस वोट का आपको बचाना है, ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा, जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें ये मशीन खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात होगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आजाद हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा,
उसमें वो लोग होंगे जो भारत से प्यार करते होंगे और इस मिट्टी को प्यार करते होंगे, जो चिल्लाते थे कि हम यहां गरीबी दूर करेंगे। क्या आज गरीबी दूर हो गई कि 80 करोड़ हमारे लोगों को अनाज मुफ्त देना पड़ता है? तो गरीबी कहां गई? बेकार हमारे जवान हैं, लड़कियां और लड़के पढ़े लिखे, कोई उनकी तरफ सुनवाई नहीं है। कब तक ये चलेगा? कब तक हम इस मुसीबत को देखते रहेंगे और चुप रहेंगे? आज वक्त आ गया है कि हम इकट्ठे होके संविधान को बचाएं और इस भारत की जो परंपरा है उसको बचाएं। इंडिया गठबंधन के नेता प्रकाश आंबेडकर ने भी मोदी सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। जहां तक मैं समझता हूं कि हम लोगों को लड़ना चाहिए, साथ लड़े अकेला लड़े लेकिन लड़ना चाहिए। देश भर की परिस्थिति के बयान मैं कर रहा हूं, मैं इसलिए देश भर की बयान कर रहा हूं कि बंगाल में अलग सी परिस्थिति बन चुकी है, महाराष्ट्र में कोशिश की जा रही है कि हम सब जन इकट्ठा लड़े, इलेक्ट्रल बॉन्ड आ चुका है और हर चैनल पर अमित शाह का बयान आ रहा है कि हमने जो है इलेक्शन के माध्यम से जो काला धन था उसको भगा दिया है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस कंपनी है कि जिसकी 2021-2022 की जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट 215 करोड़ का है और उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वे 1360 करोड़ का खरीद लिया है, जब कंपनी का प्रॉफिट ही 200 करोड़ है तो 1300 के बॉन्ड वहां कहां से खरीद लिए? इसका विवरण तो होना चाहिए। मैं ऐसे कई कंपनियों का नाम दे सकता हूं। क्या हम लोग इनको टारगेट करेंगे या नहीं करेंगे?